कई लोग बोलते हैं कि हम भाई किसी ने छोड़ दिया तो हम जी नहीं सकते, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। और दोस्तों, आज दिन की शुरुआत बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि हम खाएंगे ज्वार की रोटी और बलर की सब्जी। ये देसी खाना आज मिलेगा और ठंडी में इस खाने का मजा ही अलग है। थैंक यू डॉली। गाइज, अभी मैं अखबार पढ़ रहा था ऑफिस जाने के पहले, तो उसमें मैंने पढ़ा कि बीपीएल का राशन कार्ड वालों को 25 रुपये मिलेगा सस्ता पेट्रोल। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यदि उनके पास बीपीएल कार्ड है तो दिखती बात है कि वो गरीब लोग हैं, तो उनके पास बाइक नहीं होगी, और यदि उनके पास बाइक है और वो अमीर हैं तो फिर उनके पास बीपीएल कार्ड कैसे है? मुझे तो समझ में ही आया। यदि आपको समझ में आया हो तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मुझे इसके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाना होगा। वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो भी हम जल्द ही बनाएंगे। ठीक है, नेताजी का काम है घोषणा करना और आम लोगों का काम है उन घोषणाओं को सुनकर खुश होना। तो अब मैं निकलता हूँ ऑफिस। क्या हो गया? हनी भी चला गया तो मेरे को वहाँ पे नानी के घर छोड़ देना। हनी चला गया तो आपको नानी के घर 1 बजे छोड़ देंगे। अभी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है, बाय बाय। 2 घंटे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हर इंसान में कलाकार होता है, ऐसे ही हमारे राहुल भाई हैं जिनके अंदर भी एक कलाकार है। तो राहुल भाई, क्या सुनाने वाले हैं? मैं क्या है, आज टूटे दिलों वालों के लिए एक गजल है, वो एक गजल सुनाना चाहता हूँ। मैंने एक गाना है मशहूर, उसमें से सुना है, मुझे बहुत अच्छी लगी वो गजल, और मैं थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ सभी को। वो एक गाना है कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। तो प्रेमी क्या बोलता है कि भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी, और दूर जाना था तो आने की जरूरत क्या थी, हाल पूछा ही नहीं हाल बताया ही नहीं, ऐसे आना था तो आने की जरूरत क्या थी, आंधिया आएंगी यकीन था मुझको फिर ये आवाज लगाने की जरूरत क्या थी, और छोड़ के जाना ही था तो फिर आने की जरूरत क्या थी। बस यही मैं सुनाना चाहता था, कई टूटे हुए दिलों को ये आराम देगा। ये बहुत अच्छी गजल है और आप भी सुनिए, अच्छा लगेगा। ये थे हमारे राहुल भाई जिनके अंदर कलाकार छुपा हुआ था। हालांकि मैं टूटे हुए दिल वाले गाने नहीं सुनता हूँ, गजल नहीं सुनता हूँ, लेकिन राहुल भाई ने सुनाई है तो सुन लिया। ये चीज वही समझ पाएगा जिसके अंदर ये चल रहा है। हर कोई इस चीज को नहीं समझ पाया, क्योंकि हम वही चीज ऑब्जर्व करते हैं, मतलब पकड़ते हैं कि जो चीजें चल रही है दिमाग में, जैसे आपके जीवन में जो चीज चल रही है वो चीज आपको समझ बराबर आएगी। तो जिन लोगों के दिल टूटे हों वो राहुल भाई की ये गजल जरूर सुने, और राहुल भाई जब भी कभी कहीं मिले तो इनसे आप और भी गजलें सुन सकते हैं, क्योंकि ये दिन भर कुछ गजलें लिखते भी हैं, कुछ गाते भी हैं, कुछ गुनगुनाते भी हैं। ऐसी चीजें आप मुझसे मिलें और सुने, बहुत अच्छी चीजें मैं बताऊंगा, इन चीजों के लिए बहुत अच्छा इलाज भी मेरे पास। कई लोग बोलते हैं कि हम भाई किसी ने छोड़ दिया तो हम जी नहीं सकते, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उस चीजों की राय भी मैं देता हूँ। आप अगर कभी मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, सुनील भैया से संपर्क करें, जब आप सुनील भैया संपर्क करेंगे तो हमको पा लेंगे। तो ये इलाज करते हैं टूटे हुए दिलों का, जिनके दिल टूटे हो वो राहुल भाई से मिल सकते हैं। ऑफिस से निकलकर जैसे ही मैं तहसील कार्यालय पहुंचा तो आदित्य, जित्तू और राजकुमार मिल गए, जिन्होंने कहा कि चाय पी ली जाए। तो पहले तो मैंने मना किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठंड बहुत ज़्यादा है, चाय पी ही ली जाए। और आपको बता दूं कि वहाँ से जैसे ही आगे बढ़ा तो फिर किसान संघ के सारे पदाधिकारी और सदस्य मिल गए, जो कोई ज्ञापन देने आए थे किसान हित का। मुझे इन लोगों की सबसे खास बात ये लगती है कि ये जब नारे लगाते हैं तो इनके नारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी सुने, थोड़ा सा नारा आपको भी सुनाता हूँ। किसान शक्ति जागेगी, किसान चुराएगा मोर,
बिजली खाद बीज पानी मांग रही है आज सस्ती बिजली खाद बीज पानी मांग रही है आज भारत माता की जय। खबरों का टाइम खत्म हो चुका है और आपको बता दूं कि अचानक यूं ही मन हुआ कि क्यों ना कहीं खाना खाने जाए, तो खाना खाने जा रहे हैं और आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मन तो नहीं कर रहा लेकिन दिल कर रहा है कि कहीं बाहर कुछ अच्छा सा खाया जाए। तो अभी जा रहा हूँ आयु को लेने, उसके बाद कहाँ जाएंगे ये डिसाइड नहीं है, लेकिन खाना जरूर खाकर बाहर ही आएंगे। जाने के लिए निकला ही था घर से कि राहुल भैया का फ़ोन आया कि उन्होंने कुछ बुलवाया है। अब क्या बुलवाया है ये तो नहीं पता है, वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो वहाँ पहुँचता हूँ और देखता हूँ कि राहुल भैया ने ऐसा स्पेशल क्या बुलवाया है कि मुझसे ये कहा है कि झोला लेके आना, मतलब कि सामान थोड़ा सा भारी है। तो राहुल भैया ले आए हैं बड़ा वाला जाम। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि राहुल भैया ने दिए हैं ये बड़े वाले जाम। तो गाइस हम निकल चुके हैं, कहाँ यह हमें नहीं पता कहाँ जाने के लिए, क्योंकि राहुल ने प्लाट खरीदा है खरीधाम कॉलोनी में, तो उसने कहा है कि आज बाहर ढाबे पे खाना खाएंगे, तो आपको कहाँ ले जाएगा यह हमें नहीं पता है। और आई तो उसकी मस्ती में चूर है और अब हम सीधे पहुंचेंगे राहुल के पास। कांग्रेचुलेशन राहुल मामा। गाइज हम पहुंचे संदीप ढाबे पर जहां हमारा फेवरेट पहले पापड़ आया, उसके बाद हमने ऑर्डर किया काजू करी, जो टमाटर, दाल और तंदूरी रोटी, साथ में घी लगा हुआ, और बस खाना शुरू किया। राहुल के से बात कर रहे थे, राहुल के मज़े भी ले रहे थे, लेकिन राहुल बार बार बोल रहा था कि ये पार्टी मेरी तरफ से है लेकिन वीडियो में मेरी तरफ से नहीं है, ये पार्टी किसी को नहीं बताना है कि मैंने दी है। मैंने कहा नहीं, हम तो सबको बताएंगे भाई कि पार्टी तूने दी है, तभी सबने उंगली करके भी बताया कि राहुल ने दी है, राहुल ने दी है, राहुल ने दी है। और राहुल कह रहा था वीडियो में बिल्कुल नहीं बताना कि मैंने पार्टी दी है। इस टाइम हो चुका है पौने नौ और हम वापस आ चुके हैं, और ये आप आयु को देख सकते हैं कि आयु कितना सीधा बन के घर जा रहा है दादू को परेशान करने। दादू की आवाज आ चुकी है और ये भाग गया। तो गाइस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, और यदि आपको ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको बता दूं कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है क्योंकि ठंडी में बहुत जल्दी नींद आने लगती है। तो आई थिंक बज रहा होगा अभी लगभग 10 या 10:30 के बीच में कुछ, लेकिन अब मैं सोना चाहता हूँ क्योंकि सुबह उठूँगा बहुत आराम से, क्योंकि ठंड है भाई, थोड़ा आराम तो बनता है।